प्यारे बच्चों, कक्षा सात के मैथ में मैं जीपी गौड़ आज हिंदी के कुछ सरलीकरण के विषय में बताऊंगा। जैसा कि इसके पहले आप पढ़ चुके हैं, भिन्नों का जोड़, भिन्नों का घटाना, भिन्नों का गुणा और भिन्नों का भाग, उससे ही संबंधित जब मिक्स करते हैं तो उसको बोर्डमास के नाम से जानते हैं। और बोर्डमास के दो सवाल आपके सामने रखे हैं। इसी माध्यम से ये तीन होमवर्क भी दिए हैं। पहले सवाल ये कैसे करते हैं बोर्ड मास के, देखेंगे कोई भी भिन्न होता है, पहले हम विषम भिन्न में ज्ञात करते हैं। विषम भिन्न में ज्ञात करने का तरीका देखेंगे, पांच चौका बीस एक इक्कीस, इक्कीस बटे पांच का सात त्रिकी इक्कीस एक बाईस, बाईस बटे सात भागा सात त्रिकी इक्कीस, इक्कीस बाईस तेईस चौबीस, चौबीस बटे सात। आप देखेंगे काक का नंबर पहले आया बोर्ड में, स्नाको पहले काटिए ता पीछे को भाग गुणा कर जोड़ के ऋण को जो घटाए। इससे होता है कि पहले कोष्टक लगता है, कोष्टक में हल होता है पहले नंबर पर, दूसरे नंबर सबसे पहले तो रेखा कोष्टक हल होता है अगर रेखा कोष्टक होता है, नहीं तो कोष्टक, कोष्टक में सबसे पहले छोटा कोष्टक, फिर मझोला कोष्टक, फिर बड़ा कोष्टक। अगर कोष्टक कोई नहीं है तो सबसे पहले हम भाग लगाते हैं, का को पहले काटिए ता पीछे दो भाग, का फिर भाग फिर गुणा फिर जोड़ अंत में माइनस। ये क्रिया को आप बोर्ड मास के माध्यम से लगाते हैं, देखेंगे का पहले नंबर, का मतलब होता है गुणा, सात एकम सात, सात त्रिकी इक्कीस, बाईस की यही छियासठ बटे पांच भागा चौबीस बटे सात, छाछठ बटे पांच गुणे सात बटे चौबीस, छह चौका चौबीस, छह करने छो, छह करने छो। और कोई अंक ऊपर से नहीं कटेगा, ग्यारह सदे सतहत्तर बटे पांच चौका बीस, देखेंगे सतहत्तर बटे बीस ये विषम संख्या है, हम ये बीस विषम संख्या उत्तर दिखाते नहीं है, बीस लिख देंगे और सतहत्तर में हम बीस का भाग देंगे, बीस गुना चालीस, बीस यही साठ, सत्रह यहाँ सत्रह हो जाएगा, यहाँ तीन हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाता है। दूसरे क्वेश्चन के देखेंगे, इसमें भी वही काम है, पहले हम विषम भिन्न बनाएंगे, सात गुना चौदह पंद्रह, पंद्रह बटे दो माइनस बड़ा क्वेश्चन में चार गुना आठ एक नौ, नौ बटे चार भागा मझोला क्वेश्चन में चार बटे चार एक पांच, पांच बटे चार माइनस एक बटा दो छोटा क्वेश्चन में तीन बटा दो माइनस एक बटा तीन माइनस एक बटा छह छोटा क्वेश्चन दम मझोला क्वेश्चन दम बड़ा क्वेश्चन। अब छोटा क्वेश्चन देखेंगे, छह तीन दो का एलसीएम होता है छह, दो तीन छह तीन त्रिकी नौ, तीन दूना छह दो इकंदे दो, छह छह है तो एक, एक बटे दो माइनस पांच बटे चार मझोला क्वेश्चन भागा नौ बटे चार मझोला क्वेश्चन बड़ा क्वेश्चन माइनस पंद्रह बटे दो। अब देखेंगे पंद्रह बटे दो माइनस नौ बटे दो चार भागा मझोला क्वेश्चन में पांच बटे चार माइनस एक बटे दो, एक बटे दो नौ में से तीन चार छह, छह बटे छह, छह बटे छह का मतलब होता है एक बटा एक, मझोला क्वेश्चन बन बड़ा क्वेश्चन बन, पंद्रह बटे दो माइनस नौ बटे चार भागा मझोला क्वेश्चन में पांच बटे चार माइनस एक बटे दो मझोला क्वेश्चन बन। इन दोनों को देखेंगे हम, चार दो का एलसीएम चार होता है, ये पांच ही हो जाता है, भागा नौ बटे चार
नौ बटे चार गुणे चार बटा तीन, तीन एकड़ में थी तीन तीन की नौ, चार से चार कटा, पंद्रह बटे दो माइनस तीन बटा एक, पंद्रह बटा दो माइनस तीन बटा एक, दोनों का एलसीएम हो जाएगा दो, ये पंद्रह और दो तीन छह, पंद्रह में से छह जाए नौ बटे दो, नौ बटे दो का मतलब होता है कि दो सौ को आठ चार सही है बटे दो, ये हमारा आंसर हो जाता है। इस तरह बोर्ड पास के सवाल लगाए जाते हैं।